हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज हम इस 5 मिनट सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के बारे में। इस वीडियो के एंड में आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, आपको कमेंट करना है। अगर आपका कोई भी सजेशन है या रिक्वायर्ड टॉपिक है वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर 5 मिनट सीरीज़ ग्लोबल सर्च में आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आइए हम लोग सबसे पहले BCG का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। BCG स्टैंड फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है आइए देखते हैं। द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इज अ ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, ये एक तरीके का ग्लोबल मतलब वर्ल्ड लेवल पे काम करने वाली मैनेजमेंट कंसल्टिंग फॉर्म है। इज रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म, मतलब काफ़ी रेपुटेटेड है। क्यों रेपुटेटेड है, देखिए एक बार क्या होता है ना, दुनिया में जितनी भी बड़ी फॉर्म थी जिन वो ढेर सारे प्रोडक्ट में डील किया करती थी, उनको दिक्कत आई, उनको प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने बनाया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया इस फॉर्म ने। तो जो सॉल्यूशन बनाया उसको इसी का नाम दे दिया गया, इन लोगों का ही नाम दे दिया गया। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। उस सॉल्यूशन पर चलने से पहले हम लोग कुछ टर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो टर्म है बिजनेस पोर्टफोलियो। तो बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट दैट मेक अप द कंपनी। जब हमारे आपको जैसे पता है कि जो एक बड़ी कंपनी होती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो एक प्रोडक्ट में डील नहीं करती है, वो ढेर सारे प्रोडक्ट में डील करती हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट या उनके बिजनेस हैं हम उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस और प्रोडक्ट। और ऐसे ही बिजनेस और ऐसे प्रोडक्ट को मिला करके क्या बनता है, बिजनेस पोर्टफोलियो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, देखिए उसके पास ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब ढेर सारे एकदम, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने प्रोडक्ट हैं। उसी तरीके से पतंजलि प्रोडक्ट भी है, ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये पतंजलि एक कंपनी है, उसके जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको मिला दिया जाए तो ऐसे बिजनेस को, ऐसे कंपनी को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, मतलब ढेर सारे बिजनेस का पोर्टफोलियो है, ग्रुप है। पोर्टफोलियो मतलब होता है कि आपका ग्रुप। फिर उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। देखिए ये जो है, ये ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें कुछ खाने के हैं, उसमें कुछ हेल्थ के हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ डेकोरेशन के लिए भी हैं, तो अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि ऐसे ग्रुप जो भी ऐसी कंपनियाँ वो परेशान होती हैं, तो वो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हम क्या कहते हैं कि उनका जो भी प्रोडक्ट है, देखिए क्या लिखता है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट में डिवाइड कर दीजिए। अब सर ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है, SBU इज अ यूनिट ऑफ कंपनी दैट हैज सेपरेट विजन एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब एक ऐसा यूनिट है पूरे बड़े से कंपनी का जिसका अपना खुद का सेपरेट विजन है, ऑब्जेक्टिव है, एंड विच कैन बी प्लान्ड इंडिपेंडेंटली। मतलब उसका प्लानिंग सेपरेटली बनाया जा सकता है, मतलब बाकी सारे बिजनेस से वो अलग है, एंड अदर बिजनेसेस ऑफ द कंपनी, मतलब जितने भी अलग अलग बिजनेस है उन सबसे अलग है वो। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है HUL जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसको मैंने कैटेगराइज किया। जैसे वो अगर अपना SBU डिज़ाइन करना चाहे तो पर्सनल केयर में किसको किसको रखेगा, जैसे एक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, एली हो गया, फेयर लवली हो गया, लक्स हो गया, टॉनी एंड गे हो गया, वैसलीन हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये सब क्या हो गया, पर्सनल केयर की कैटेगरी में आ सकता है। इनका सेपरेट विजन ऑब्जेक्टिव होगा सारे बिजनेस से अलग। ठीक है, देन उसके बाद क्या आ रहा है आपका आ रहा है फूड एंड ड्रिंक में क्या आ रहा है, ब्रू आ रहा है, क्वालिटी वॉल्स आ रहा है, किसान है, मतलब ये सब देख सकते हो कि हमारे क्या है, ये ईटिंग मतलब फूड और ड्रिंक कैटेगरी में आएंगे। क्लियर, उसके बाद होम केयर में क्या आ रहा है, रिन है, सर्फ एक्सेल है, व्हील है, कंफर्ट है, मतलब ये सब क्या होगा आपके होम केयर में। तो हमने पूरे के पूरे प्रोडक्ट को, ऑल्दो और ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, और भी SBUs बनेंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अभी शॉर्ट में एग्जांपल के लिए आपके लिए बस इतना लिया हुआ है। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके जो सिमिलर प्रोडक्ट हैं वो। अब इनके क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, इनका जो है सेपरेट विजन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो दूसरे बिजनेस से डिपेंड नहीं करेगा, और इनकी प्लानिंग भी एकदम सेपरेटली की जाएगी, दो दूसरों पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सब इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सर क्या कर रहे हैं, तो पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, डिफाइन किया बिजनेस पोर्टफोलियो को क्या होता है, फिर उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट हम लोगों ने SBU निकाल दिया। SBU मतलब कि ऐसा ग्रुप जो कि सेपरेटली प्लान हो सकता है, डिजाइन हो सकता है। ठीक, देखिए क्या है, क्या लिखा है, ये प्रॉब्लम है क्या लिखता है, लार्ज कंपनीज विद द नंबर ऑफ SBUs फेसिंग द चैलेंज टू एलोकेट द रिसोर्सेज अमंग देम। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो परेशान हो जाती है कि कौन से प्रोडक्ट में कितना रिसोर्स लगाएं, कितना नहीं लगाएं। ठीक है, वो सोचती है वो इन अर्ली 1970। ठीक है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप डेवलप्ड अ मॉडल फॉर मैनेजिंग पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट और मेजर प्रोडक्ट लाइन। तो इस ग्रुप ने BCG ने क्या किया, एक ऐसा मॉडल बनाया लोगों के लिए जो कि ऐसे बिजनेसेस को हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें क्या लिखता है, BCG मैट्रिक्स कैन यूज टू डिटरमाइन द व्हाट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द डिफरेंट SBUs। मतलब जितने भी यूनिट्स हैं उनको कैसी कैसी प्रायोरिटी दी जाए, ये हम BCG से ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स से पता लगा सकते हैं। देखिए है क्या, ये सबसे पहले है क्या, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट
SBUs को डिज़ाइन कर लिया, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब हमको उस मैट्रिक्स के हिसाब से, इस मैट्रिक्स के हिसाब से सबको पुट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या क्या है, सबसे पहले अगर आप देखो हॉरिजॉन्टली क्या लिखा है मेरे पास, रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या है, मार्केट शेयर हाई हो सकता है और लो हो सकता है। मार्केट शेयर मतलब मार्केट में मेरा शेयरिंग कितना है, मेरा अगर मार्केट है, अगर शेयर है उसमें, मार्केट में शेयर कितना है, वो दो हो सकता है, एक हाई हो सकता है एक लो हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया में हेल्थ केयर या हेल्थ केयर के डिमांड करने वाले 100 लोग हैं, तो उसमें से 60% लोग क्या करते हैं, मेरा सामान लेते हैं, HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, बाकी अदर कंपनीज है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है, मार्केट शेयर क्या है, ज़्यादा है, 20-40 इस तरीके से अगर आपका है शेयर तो वो ज़्यादा माना जाता है, और लोग क्या है, काफ़ी शेयर कम है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ रेट मतलब कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसी है, ज़्यादा है कम है, या उसका फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है, इस बेसिस पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आपका मार्केट में शेयर ज़्यादा है और दूसरा क्या है कम है, और यहाँ पे आपका ग्रोथ क्या है, मार्केट में ग्रोथ यानी कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी क्या है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ को बोल दिया स्टार, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, स्टार कौन है, जिनका मार्केट में शेयर भी ज़्यादा है और ग्रोथ रेट भी आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो ये कौन हो गया, स्टार हो गया। दूसरा कौन होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में कौन आता है कि आपका मार्केट में शेयर कम है लेकिन जिस इंडस्ट्री में हो उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आपका शेयर कम है लेकिन मार्केट में, इंडस्ट्री में आपका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ऐसी कंपनी जो हैंड सैनिटाइज़र बनाती है या फिर हैंड वॉश बनाती है, उसका मार्केट में शेयर कम है लेकिन अगर आप देखो तो अभी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्लियर है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद आपका देख सकते हो कि ये दूसरा कैटेगरी क्या है, कैश काउ जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कैश काउ। ये कौन होते हैं, कैश काउ वो होती हैं जिनका मार्केट में शेयर तो ज़्यादा है लेकिन फ्यूचर कुछ नहीं है, ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है, ग्रोथ बहुत कम है। फिर उसके बाद आते हैं डॉग्स। डॉग में क्या क्वालिटी होती है, इनका मार्केट शेयर भी कम है, इनका मार्केट शेयर भी कम है और ग्रोथ भी नहीं है, फ्यूचर में ग्रोथ भी नहीं है, मतलब एकदम से ये पैसा फंसा हुआ है यहाँ पे आपका, क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, आपको देखना है, समझना है सारी चीज़ों को। स्टार कौन हो गया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा इनका मार्केट में शेयर भी ज़्यादा है और ग्रोथ भी ज़्यादा है, मतलब समझ लीजिए आपके स्टार प्लेयर हैं ये लोग, स्टार प्लेयर हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखता है, स्टार प्रोडक्ट्स और SBUs दैट ग्रो रैपिडली, इनका ग्रो जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है ग्रोथ इनका। स्टार कैन जनरेट देयर ओन इंटरनल कैश, ये अपना खुद का कैश जनरेट कर सकते हैं, आपको इसमें अलग से रिसोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये अपना जो भी कैश फ्लो है वो अपना खुद से जनरेट कर सकते हैं। सम स्टार कैन मीट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर ओन इंटरनल कैश फ्लो वाइल अदर नीड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई। आप देख सकते हैं इनका मार्केट में शेयर भी ज़्यादा है, फ्यूचर में ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो ये डिपेंडेंट है, मतलब अपने इंडिपेंडेंट है, क्लियर। ये इंडिपेंडेंट है मतलब किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इतना कैश जनरेट कर रहा है कि ये खुद में अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी से भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सबको क्या है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, बिजनेस को अलग से इसमें रिसोर्सेज लगाने पड़ सकते हैं। दे रिप्रेजेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन, और यहाँ पर अगर हम चाहें एक्सपेंशन अगर करना तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हैंड सैनिटाइज़र का मेरा बिजनेस है, क्लियर, हैंड सैनिटाइज़र का मेरा बिजनेस है और मेरा मार्केट में शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेरा प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदते भी हैं, ठीक है, ओके। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे बिल्ड, मतलब कि इसको एक्सपेंड करेंगे इसमें और इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्लियर। उसके बाद आइए देखते हैं कैश काउ कौन है, इनका मार्केट में शेयर तो ज़्यादा है, लेकिन ग्रोथ काफ़ी कम दिख रहा है, तो दे जनरेट कैश मतलब वो अपना कैश जो जनरेट कर लेते हैं लेकिन, और इनका कॉस्टिंग भी होता है वो काफ़ी लो होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, दे आर इस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुल एंड नीड लेस कैश इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेन देयर मार्केट शेयर। देखो यहाँ पे क्या है, इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, मार्केट में शेयरिंग इनका काफ़ी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम है लेकिन मार्केट में शेयर ज़्यादा है इनका, क्लियर है। देखिए दे एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुल एंड नीड लेस इन्वेस्टमेंट मेंटेन देयर मार्केट शेयर, काफ़ी ज़्यादा इनका शेयर है तो बहुत ज़्यादा कैश नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए कि अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके रखें, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इन लॉन्ग रन व्हेन द ग्रोथ रेट स्लो डाउन स्टार बिकम कैश काउ। जहाँ पे अगर स्टार का क्या है भाई, मार्केट शेयर इनका ज़्यादा है, ठीक है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अब फ्यूचर में चल के हमेशा तो एक इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा हमेशा तो नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, तो स्टार क्या हो जाएंगे लॉन्ग रन में स्टार क्या हो जाएंगे, वो कैश काउ भी हो जाएंगे कन्वर्ट, ठीक है। तो स्टार
लॉन्ग रन में कैश काउ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, हार्वेस्ट करना होता है, क्योंकि मार्केट में अब ग्रोथ है नहीं, आपका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, मार्केट में ग्रोथ नहीं दिख रहा है लेकिन शेयर ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, जितना भी पैसा मिल रहा है, जितना भी अभी हम बटोर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, अभी कर लो, ठीक है। इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत उतनी नहीं है क्योंकि ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन मार्क एंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क एंड प्रॉब्लम चाइल्ड या बोल सकते हो वाइल्ड कैट, ये सब आपके आ जाएंगे क्वेश्चन मार्क में। इनके साथ दिक्कत क्या है पता है आपको, इनका मार्केट शेयर कम है लेकिन जिस इंडस्ट्री में है वो, वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हैंड सैनिटाइज़र या हैंड वॉश, इसका बूम आया हुआ है इस समय ऐसे इंडस्ट्री का, या आप बोल सकते हो कि जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स है वो, ठीक है। इन लोगों का ग्रोथ रेट अभी काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मार्केट में शेयर इन लोगों का ज़्यादा नहीं है, मार्केट में शेयर इन लोगों का ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करके रखना चाहिए। इनको क्या करके रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में अगर ये लोग बना के रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब मार्केट शेयर इनका बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, और लॉन्ग रन में जब आपका जो मार्केट का ग्रोथ रेट है वो कम होगा, तो जो मेरा यहाँ पे आप देखो अगेन ये जो स्टार है वो लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, कैश काउ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आइए और बातें हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क्स रिलेटेड। दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट बट लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश, बट लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश। इनमें देखिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसलिए इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मार्केट में शेयरिंग कम है हमारी, तो उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना पोटेंशियल नहीं है कि हम कैश जनरेट कर सकते हैं। हाँ, हमें किस पे फोकस करना होगा कि हम अपना जो लो शेयर है वो क्या करें, हाई शेयर करें, मार्केट में हाई शेयर करें, ठीक है। अगर हम लोग मार्केट में अपना शेयर बढ़ा लिए, स्टार बन गए, तब तो फिर क्या बात है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, फॉर्म टू इनिशिएट एक्शन टू कन्वर्ट क्वेश्चन मार्क इनटू स्टार, कैसे होगा, हाई से, अरे सॉरी, लो से हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट शेयर हाई करना पड़ेगा, क्लियर है, हाई करना पड़ेगा, एंड देन टू कैश काउ, जब लॉन्ग रन में आपका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कैश काउ में हो जाएगा व्हेन द ग्रोथ रेट रिड्यूसेस, क्लियर है। ओके, डॉग पे आते हैं, डॉग का कंक्लूजन क्या निकलता है, डॉग एकदम सबसे ज़्यादा नालायक होते हैं यहाँ पे, ऑल्दो डॉग अच्छे होते हैं, डॉग सबसे ज़्यादा नालायक होते हैं। इनमें हमें बहुत, मतलब समझ लो एकदम सर देखना नहीं चाहते हम इनको, पैसा ये लोग फंसा के रखे हुए हैं, क्या हो रहा है, लो ग्रोथ, ग्रोथ भी नहीं है, मार्केट में शेयर भी नहीं है, बात समझ में आ रहा है, ग्रोथ भी कम है, मार्केट में शेयर भी नहीं है। दे मे जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्फ, मतलब खुद को चलाने के लिए भी शायद ही ये लोग अपना कैश जनरेट कर पाए, बट डू नॉट हैव मच फ्यूचर, क्योंकि आपका ग्रोथ रेट नहीं है, फ्यूचर है ही नहीं इनका, क्लियर। समटाइम्स दे नीड कैश टू सर्वाइव, बल्कि इनको खुद कैश भी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। डॉग शुड बी मिनिमाइज थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट और लिक्विडेशन, इनको जल्दी से जल्दी डाइवेस्ट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब SBUs को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं अलग अलग कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ रेट, हमारे पास चार तरीके की कैटेगरी निकलती है, स्टार कैटेगरी, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए अगर आपका जो SBU है इस किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है।